दोस्तों ये बात है 25 मई 1992 की। फिलीपींस के लोग इंतजार में बैठे थे क्योंकि उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पेप्सी अपने कैंपेन के विनर की अनाउंसमेंट करने जा रही थी और फिर कंपनी ने भी एक नंबर के विनर की अनाउंसमेंट की और फिर पूरे देश में शोर मच गया। ये कैंपेन पेप्सी कंपनी के लिए बड़ा ही डिजास्टर साबित हुआ क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद ही पूरे देश में दंगे फैल गए, लाखों लोग सड़कों पर उतर गए। इस घटना में बहुत लोगों को चोटें भी लगी और बहुत लोग मारे भी गए। पेप्सी को ये कैंपेन इतना महंगा पड़ा कि आज भी फिलीपींस के मनीला में पेप्सी पूरी तरह से बैन है। लेकिन ये हुआ कैसे और क्यों हुआ, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पेप्सी नंबर फीवर एक तरह का लकी ड्रॉ था जिसमें सारी बात किस्मत पे रहती थी। कंपनी अपने बॉटल के ढक्कन के पीछे एक से लेकर हजार तक के नंबर छापती थी। इनमें से कुछ नंबर के कॉम्बिनेशन पर कंपनी पहले से ही एक इनाम तय करके रखती थी। अब अगर पेप्सी के तय किए नंबर अगर किसी व्यक्ति के पास मिलता तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता था। इस कैंपेन के प्राइस $1 से शुरू होकर लाखों डॉलर तक रखे गए थे। यही रीजन था कि यह कैंपेन अमेरिका में बहुत ही फेमस था और इससे पेप्सी की मार्केट भी 10 गुना तक बढ़ गई थी। इस कैंपेन के सक्सेस को देख के ही पेप्सी के सीईओ ने इसे बाकी देशों में जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, मेक्सिको और फिलीपींस में भी शुरू करने के लिए कहा। यह वह दौर था जब पेप्सी के सबसे बड़ा कंपटीशन कोको कोला से था। उस टाइम पूरी दुनिया में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के नाम पर सिर्फ कोको कोला ही चलता था। जब पेप्सी अपना कैंपेन फिलीपींस में लागू करने जा रही थी तब कंपनी का मार्केट शेयर पूरे फिलीपींस में 19% था और कोको कोला का मार्केट शेयर 75% था, यानी कि कोको कोला पूरे फिलीपींस में छाया हुआ था। उस समय फिलीपींस काफी गरीब देश हुआ करता था और पेप्सी ने यह भाप लिया था और इसीलिए ऐसी स्कीम लाया था जिसमें रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। यह स्कीम फिलीपींस के लोगों के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं थी। दोस्तों दरअसल हुआ ऐसा था कि फिलीपींस में भी इनका कैंपेन नंबर फीवर अच्छा चल रहा था और कई लोग इनाम भी जीत चुके थे। लेकिन जब बारी आई सबसे बड़े इनाम के विजेता का नंबर की घोषणा करने की तो पेप्सी ने उसी में सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। वह नंबर था 349 और ये नंबर सुनते ही बहुत लोग खुशी से पागल हो गए और पेप्सी के फैक्ट्री के बाहर भीड़ लगा दी। अब हम आपको बता दें कि मिस्टेक कैसी होगी। दरअसल इस कैंपेन के तहत इसके सिर्फ दो ही विनर होने थे लेकिन पेप्सी ने इस नंबर के गलती से 8 लाख से भी ज्यादा कैप छपवा लिए थे और 4.5 लाख से ज्यादा बोतलें बिक चुकी थी। फिर इतने लोगों ने पेप्सी के ऑफिस में इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया था। फिर बाद में पेप्सी को उन लोगों को यह कहना पड़ा कि यह सिर्फ कंप्यूटर एरर था लेकिन लोगों ने यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर इस दिन से देश भर में धरना और दंगे भी स्टार्ट हो गए। पेप्सी के सभी डिलीवरी ट्रक को जला दिए गए थे। नेता से लेकर हर आदमी पेप्सी को विलन बना चुका था। यहाँ तक कि पेप्सी के ऑफिस को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। देश भर में एंटी पेप्सी मूवमेंट चल रहा था। पेप्सी के खिलाफ करीब 6000 केस दर्ज हो गए थे। पूरी दुनिया में पेप्सी की बदनामी हुई। पेप्सी फीवर का केस साल 2006 में जाके बंद हुआ जब फिलीपींस की सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के केस डिसमिस कर दिया कि यह पेप्सी की हुई प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ना कि पेप्सी की तरफ से जानबूझ के किया गया कोई फ्रॉड था। ये कैंपेन आज तक का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है। पेप्सी ने फिर फिलीपींस की सारी जनता से मांगी माफी। पेप्सी को इस कैंपेन से ब्रांड वैल्यू को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। दोस्तों ये थी पेप्सी से जुड़ी हुई स्टोरी जो बहुत ही कम लोगों को ही पता होगी। आपको ये स्टोरी अगर पहले से पता थी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।